नमस्कार। होमोसेक्सुअलिटी मतलब समलिंगी आसक्ति, वैसा तो ये सेक्सुअल होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन होना ये नॉर्मल है और ये कोई गुनाह नहीं है और ये संबंध रख सकते हैं और उसके लिए हमने कायदा भी पारित किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो लोग इससे बहुत परेशान हैं वो लोगों को वैसा जीना नहीं है, वो लोगों को डिप्रेशन आ रहा है, जो लोगों को डिप्रेशन भी आ रहा है, जो लोग आत्महत्या करने के लिए अभी निकल गए कि भाई चलो अभी ये होना ही नहीं, मेरे को होमोसेक्सुअल नहीं होना है, तो ऐसे लोगों को ज़बरदस्ती होमोसेक्सुअल रखना और उनको वही तुम जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हैं और ऐसे ही रहो, ऐसा बोलना ये गलत है। ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसी कुछ संगठनाएँ कि जो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं, उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं ये ठीक है, कोई तुम्हारा कसूर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा कुछ वो हर एक का अपनी अपनी इच्छा है, उसको ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। होमोसेक्सुअल रहने में भी ज़बरदस्ती नहीं करना है, होमोसेक्सुअल नहीं रहने में भी ज़बरदस्ती नहीं करना है, उसको पूछना है क्या करना है। तो मगर एक ऐसा क्लास है, एक ऐसा वर्ग है कि जिनको होमोसेक्सुअलिटी के वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, बहुत गिल्टी फील हो रहा है, सुसाइडल अटेम्प्ट किया है, और वो लोग जब हमारे पास में आते हैं तो उनका डेफिनेटली इलाज होना ज़रूरी है। स्पेशली मैं उनसे रिटर्न कंसेंट लेता हूँ और रिटर्न कंसेंट लेके उनसे बातचीत करके उनको बताता हूँ कि भाई क्या कर सकते हैं हम इसके लिए कि आपका एंग्जाइटी डिप्रेशन ठीक हो जाए और मैं किस तरह से मदद कर सकता हूँ, मदद करते हैं लोगों को। अभी देखिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। एक एक्चुअली 30 साल का लड़का है, होमोसेक्सुअलिटी का प्रॉब्लम है करके खुद चल के आया और वो प्रॉब्लम है बता रहा। प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम इसलिए है कि उसको लग रहा है कि अभी मैं डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा जा रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उसको गिल्ट लगता है, उस अर्थ कि मैंने बहुत गलती कर लिया, ये मैंने कर लिया तो बार बार नकारात्मक विचार आते, कोई काम में मन नहीं है, सुसाइडल थाट्स आते हैं। और उसने एक बार उस तो भी 20 गोली नींद की खा लिया था, उसको लगा कि मैंने गोली खाएंगे तो मर जाएंगे, सुसाइडल की भी कोशिश की थी। तो ऐसे इसमें मुझे कॉन्टैक्ट किया, इसको लड़कों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण है और प्राणियों के प्रति आकर्षण है। मैंने उसको जब पूछा प्राणी कौन से, तो बोले बकरी के प्रति ज़्यादा आकर्षण है और बकरी के साथ में उसने सेक्स भी किया हुआ है, बकरी को बांध के लड़कों के साथ में उसने सेक्स किया है। लड़कियों के बारे में मतलब गर्ल्स के लिए उसको कोई आकर्षण नहीं है। खुली जगह जब जाता है वो तो वो जगह देखता है, कोई ऐसे लोगों को देख लेता है मेल्स को और अच्छे लगे तो लगता है कि उनके साथ में उसने सेक्स करना चाहिए, फिर वो कहीं पब्लिक टॉयलेट में जाएगा और वहाँ जाके हस्तमैथुन उनको विजुअलाइज करके कर लेगा। उसको जब पूछा तो उसने बताया कि भाई अभी तक उसने सिर्फ 2 बॉयज के साथ में सेक्स किया हुआ है और वो पैसिव पार्टनर था, उसकी इच्छा नहीं थी मगर वो किसने उसको बोल दिया तो वो एक्टिव पार्टनर था और ये पैसिव पार्टनर था। बोले कि किसने मुझे टच भी कर लिया तो उसको इच्छा हो जाती है कि मैंने उसके साथ में होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट रखना करके, मगर वो रखता नहीं है और उसको लगता है कि मैं ये बहुत बेकार है, ये नहीं करना चाहिए। जब मैंने उसको ये पूछा तो उसने ये बताया कि मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसा चालू हो गया। फिर मैंने उसको हिप्नोटाइज किया, उसको रिग्रेशन थेरेपी दिया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और जब उसको पास्ट लाइफ में लेकर गए तो उसने बोला कि जब 10 साल का ये था तो 10 साल की उम्र में उसके एक चाचा थे, कज़िन, पिताजी के कज़िन ब्रदर थे, वो उनके यहाँ आए थे कोई काम के लिए, मुकाम को थे और उसको जब वो आए तो उन्हें चॉकलेट वगैरह उसको लाया था और उसको बहुत अच्छा लगा कि भाई अच्छा अच्छा क्या चॉकलेट उन्होंने लाया, पेपरमिंट बिस्किट वगैरह उसके लिए खाऊ दिया उसने उन्होंने और रात में उनके साथ में वो सोया था कोई, तो उन्होंने उसको बोला कि भाई ये उसका पेनिस जो है मतलब चाचा को हाथ में पकड़ और उनको हाथ से करवा दिया। उसको तो ये सब बिल्कुल ही नया था, उसको तो ये समझ में नहीं आया कि अरे ये क्या है, क्या करना है, अब 10 साल का लड़का है, तो उन्होंने कर दिया और फिर उसको धौस भी मारा कि तू ये अभी किसको बताएगा, तो देख फिर मैं तेरे को मारूंगा, बताना नहीं किसको, ऐसा उसको बहुत ज़्यादा डर लग गया। मगर उसके बाद में क्या हो गया कि वो ऐसा देखते रहता था कि भाई किसको ऐसा टच करना क्या, किसको पेनिस को हाथ लगाना क्या, ऐसा मौका आ गया तो हाथ लगा देता था और उसको जैसा एक वो रिपीटेड थॉट आने लगा और बाद में किसने उसको टच किया तो उसको भी अच्छा लगने लगा, धीरे 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 उसकी शुरुआत हो गई। तो इसमें से भी बाहर निकलना है, उसको बोलता है डिप्रेशन के लिए मैंने उसको एंटी डिप्रेशन दिया और जब बाहर निकलना है तो सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग हमने बोला हम ट्राई कर सकते हैं कि भाई जो बार बार विचार आ रहे हैं, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो उसमें हम कोशिश कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे
और उसको मैंने बताया कि मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ कि हम क्या कर सकेंगे करके, और वो तो बोलता कि नहीं मैं तो सुसाइड कर लूँगा क्योंकि घर के लोग बहुत प्रेशर कर रहे हैं अभी कि भी शादी करो। मैं उनको बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि मुझे होमोसेक्सुअलिटी, मैंने बहुत छुपा के रखा हुआ है, घुटन सी होती है और अभी तो मैं मरने वाला, मुझे इसमें से छुड़वा, मुझे तो आकर्षण फिर लड़कियों के साथ में होना चाहिए और मुझे ये होना ही नहीं है, मुझे अभी शादी करनी है। तो उसका उसके ट्रीटमेंट के लिए हमने काम चालू किया है कि भाई उसको कम से कम ये जो पहले डिप्रेशन ठीक करो, एंग्जाइटी ठीक करो, और इसमें से कैसे बाहर निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमारी एक सिटिंग चालू है, काउंसलिंग चालू है और देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ऐसे कुछ जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है तो उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट करना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हम कॉन्टैक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं उनको और एक अच्छा पावरफुल जीवन जीने के लिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। आपको कुछ लगा तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।